अगर आपके पास कार है तो आपको पता होता है कि उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होती है, जिसके जरिए ही कार और उसके मालिक की पहचान की जा सकती है। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की कार चलाएंगे तो आपका चलाना कट सकता है और हो सकता है कि आपकी कार को जब्त भी कर लिया जाए। लेकिन भारत में कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो बिना नंबर प्लेट के चलती है। हेलो दोस्तों, मैं पारुल, आप देख रहे हैव इट ऑल। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों नहीं होती है राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई अन्य वीवीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होती है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के पास भी लगभग 14 कारें मौजूद है जो बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के चलाई जाती है। आमतौर पर इन कारों का इस्तेमाल विदेशी मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए होता है और उन्हें इन्हीं कारों में बैठा कर घुमाया भी जाता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई वीवीआईपी की कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इसलिए नहीं होती है क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए नियम कानून माने जा रहे हैं। ब्रिटिश कानून के अनुसार द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इसको देखते हुए ही देश के राष्ट्रपति और कई अन्य वीवीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होती है। सुरक्षा के लिहाज से वीवीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होती है और उनकी कारों पर सिर्फ अशोक स्तंभ बना होता है। अब इस विषय पर विचार हो रहा है कि वीवीआईपी की कारों पर भी नंबर प्लेट होनी चाहिए और जल्द ही इन कारों पर भी नंबर प्लेट नजर आ सकती है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।